जाएगा इश्क का जादू, हो जाएगा दिल ये बेकाबू। सोच में गुम है भैया बाबू, देखो भैया कौन बनेगी। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, जिंदगी के खेल में मोहब्बतों की रेल में सब मुसाफिर चल पड़े हैं। किस नगर किसको पाना किसको खोना, छोड़ो ये सब रोना धोना, देखो भैया कौन बनेगी। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। हांडी का मुंह खुला हो ना तो खाने वाले में इंसानियत होनी चाहिए। ओ अब कमाल भाईजन ने अगर खाना किया है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं पूरा टब्बर पूरा खानदान ही चुप के ले जाऊं। तो आपसे किसने कहा था कि खाने का इंतजाम उनसे करवाएं? ए बड्डों का फैसला है, तू बहुत ही मां ना बन। अच्छा भाई मुझे नहीं पता। अच्छा अभी दो चार तो सहेलियां है मेरी, उनको भी ना बुलाऊं क्या? बुलाने दे प्लीज। बस बस रहने दे, वो जिनकी शादी है उनकी सहेलियां आ रही हैं। हाँ तो उनकी सहेलियां है ही नहीं तो मेरा क्या कसूर अम्मी? चल ठीक है, तू अपनी शादी पे बुला लेना अपनी सहेलियों को। और जो मैं उनकी बहन भाइयों की शादी में गई हूँ उसका क्या? हाँ अभी मैं बता रही हूँ, उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी में घुसने नहीं देना अगर मैंने उनको खुशबू बाजी की शादी में नहीं बुलाया तो। वो तो तुझे किसने कहा था नस नस के उनकी शादियों पे जा है? मैं तो तुझे कितना मना करती थी कि किसी गैर की शादी में जाने की कोई लोड़ नहीं है। अम्मी जी दोस्त गैर नहीं होता है। बस बस रहने दे, तू जो मर्जी कह मैं इजाजत नहीं देनी। तो आप रहने दे, आपने कभी मेरी कोई बात मानी है? चल नहीं जा, मेरा दिमाग ना खराब कर, काम कर जाके अपना। फोन की है? मैं ना पुप्पो जान से इजाजत ले लूंगी। ओ जा ले ले, अगर देती है तो। लेके दिखाऊंगी इजाजत, देखिएगा आप। इजाजत ले लूंगी, लेके दिखाऊंगी। ओ जा पागल सी ना बेचा, फोन की है तू भी किसी ने सद्दा देना है। अरे सद्दा क्या होता है? ओए ओ इसे आपा शादी का कार्ड होर की। मैं तो आपको ये बताने आया था कि नाना अब्बा आ गए हैं। हाय सच्ची अब्बा जी आ गए ने, उम सदके जावा। अब देखो भाई एक बात बता दूं मैं तुम सब लोगों को, तुम सब ने मुझे नाना अब्बा कहना है, क्योंकि जड़ी माँ है ना वो सब की सांझी होती है और नाना जड़ा होता है वो माँ का प्यो होता है। हाँ तो फिर नाना भी हुआ ना सबका सांझा है। हाँ लॉजिक तो है भाई। अच्छा तुम दोनों ये नाना अब्बू का बैग ना ऊपर कमरे में ले जाओ। जी चलो भाई बचा लो। हाँ भाई उठाओ नू, उठा 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 उठा, ले 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 जा जा। और फिडे मुंह तुम्हारी जवानी का, और तुम्हारी उम्र थी ना जब मेरी, और मैं आपा जी का संदूक उठा के अकेला लेके जाता था वो स्टेशन, और वो भी पैदल। सुफियान भाई जोर लगाए ना, आपकी वजह से मेरी भी क्लास हो रही है। अच्छा चल आजा आजा। क्यों ना ना अब्बा जी, आपके दौर में टैक्सी नहीं होती थी? और सारा कुछ होंदा सी, पर हम अच्छी खुराक और कसरत पे यकीन रखते थे और तभी तो आज तक चल रहे हैं, वरना अपने अपने शहरी अब्बों को देखो और जवानी में कहाँ हो गए। ये बात तो बोलने वाली है नाना अब्बू कि अच्छी खुराक और कसरत बंदे को हमेशा जवान रखती है। ओ आजकल की नस्ल को क्या पता। जी आया नू, बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला, मेरे अब्बा जी आ गए ने। ओ चन्ना पुत्रियो वालेकुम सलाम। अब्बा जी की हाल चाल है? सफर तो ठीक लग गया। ओ चन्ना चंगा। ओए क्या बात है, ओ 8 साल हो गए उठे दा चक्कर नहीं लाया। हाय अब्बा जी की दसा, घर दे कमा तो टाइम ही नहीं मिलता। ओए दूसरी ती हसीना किथे? ओ बच्चे भी कुछ कम कम नजर आ रहे ने मन्नू। सारे इत्थे ही ने अब्बा जी, बस शादी वाला घर है ना तुहानू पता है, अपने अपने कम्मां च लगे होए ने, तुसी जरा आराम कर लो फिर सारे मिलनगे तुहानू।
और मैं क्या दौड़ लगा के आया हूँ और ट्रेन की भर्त में लंबी पा के आया हूँ भाई। हाँ और वैसे भी पुराने लोग हैं और चार पांच घंटे ही आंख लगाते हैं बस। ना ना अब्बा थोड़ा फ्रेश फ्रूश तो हो जाओ। ओए की ना कम दी गल, तब तक तुसी एक लस्सी का गिलास बनाओ ठीक है। नाना बू वही दूध दही वाली लस्सी ना। ओ लै ओए की तो लस्सी होंदी है मेरे पुत्र। अबर दही तो है ही नहीं। और दही नहीं है? ओ घर ही नहीं है जिसमें दही नहीं है। अब्बा जी शहर है ना, घर मजा नहीं होंगी। फिकर मत करे, मैं जरा गुड्डू को बोलता हूँ दही लेकर। गुड्डू। ओ भाई चंदा पुत्री चल, ओ मैनू मेरा कमरा वखा। ओ खुशबू ओ लस्सी लै गया मेरे कमरे च। जी ना ना। ओ अब्बा जी मैं तुहानू साडा कमरा भी वखानी है, तुसी पहले मेरे कमरे चलो ना। वैसे तुम्हारे होठों पर सुर्ख रंगी सूट करता है। शुक्र है खुशबू, तुम्हें तो ये तो ख्याल आया कि जब मेकअप एक्सपायर हो जाता है तो उसे फेंक देता है। ये एक्सपायर नहीं है, बल्कि इनमें से कुछ तो मैंने दो चार दिन पहले ही ली थी। तो फिर डस्टबिन में क्यों डाल दिया? बस मुझे अब इनकी ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब? ओ तू मतलब नू छड़, फिर कभी समझाऊँ। और बता की रिपोर्ट है? रिपोर्ट ये है कि कल सैलून में हमें सर्विसेज के लिए जाना है। नहीं मैं नहीं जाऊंगी कल। कमाल अंकल ने कल सारी सर्विसेज की बुकिंग करवाई है, फिशर मैनीक्योर पेडीक्योर थ्रेडिंग हर चीज़ है उसमें, और वो भी कराची के सबसे मशहूर सैलून से। बस मेरा जी नहीं चाह रहा। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा ब्राइड बनने का दिल भी है कि नहीं? सच बताऊं नहीं है। खुशबू आओ। बड़ी गल है पुत्री, वाह वाह जी वाह। ओ भाई ओ भाई मेरी तबीयत तो खुश हो गई आ सुन के। ओ बड़ी बहादुरी दिखाई है भाई तुमने। अपनों के लिए तो जान भी हाजिर है, और ईशा तो मेरी सबसे प्यारी वाली बेटी है। नाना अबू आपको पता है इन्होंने तो गोली चलाने लगी थी। तो डाकू ने इनसे पिस्टल छीनी और इनके ऊपर गोली चला दी, पर उन्होंने बहादुरी बजाते हुए मेरे को बचा लिया। हाय हाय हसीना की दसा मैं तेनु, हैं इतनी महंगाई हो गई है दवाई खुदा दी। एने एने जिन्हें तीन सैट तो 45 लाख रुपए दे। दसो साढ़े वक्तों में 45 लाख में पांच कुड़ियों की ना खुली डुली शादी हो जाती थी, क्यों अब्बा जी? ओ मैं चंगी तरह याद है 1985 में जब मैंने चंदा का विवाह किया सी, उस वक्त गोल्ड जड़ा है वो कोई 2470 रुपए तोला था। भाई उस वक्त का आज के दौर से मुआवजा करना ठीक भी नहीं है ना। और जो कुड़ियां साथ गई थी वो किथे? नाना जान वो अपने कमरे में है, आपको कोई काम था तो बताएं। और नहीं वो मैं तो वही पूछ रहा था। अरे हाँ चंदा, अजफर और दानिश आने वाले हैं, इन दोनों को पार्लर लेके जाना है ना। अफसर ते दानिश कौन है ये? वो अब्बा जी तुहानू दस्या सी ना मैं कि जिन्ना मुंडियां दे नाल इन्ना दोवां दा निकाह होना है। ओए तुम लोगों की अगले घास चरने नहीं चली गई? हां हां अब्बा जी की होया? और निकाह होना है, होया ते नहीं है। ओ गैर मुंडो के साथ भेज रही हो? ए बाबर है ओए दे नाल भेज दो, ए कोल गड्डी भी है ले जाएगा ये। जी नाना अबू मैं लेके जाऊंगा, वैसे भी मैंने ऑफिस से छुट्टियां ले रखी। और शाबाश शाबाश पुत्र, और बहनों की जिम्मेदारियां उठाना भाइयों का फर्ज है। हाँ जी
अब ये कहना जरूरी था क्या? वो क्या मेरा मुंह देख रहा? हाँ चल भाई चल, जा शाबा। जी जी जा रहा हूँ। असीना पुत्र दोनों पार्टी को फोन कर दे, और किसी को आने की रोड़ नहीं है। जी मैं अभी फिर। और कोई अंदर जाने का या बाहर जाने का काम हो ना, और मैं दसो, और आजकल के जवानों से ज्यादा मेरी हड्डियों में दम है। आहो अब्बा जी, अच्छी सारे जानने हैं इस गल में। शाबा शाबा, वो कर दे फोन, वो कब करेगी जब जंज मुंह से आ जाएगी। मैं अभी करके आ जाऊंगी। ये तो हमने सोचा ही नहीं। वैसे सही गल है लीजिए, आज की न्यूज हेडलाइन ये है कि अब किसी को भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है। थैंक गॉड मैं अस्पताल में नहीं थी, वरना सबा का हाथ मेरे हाथ में पकड़ा कर कहती अपनी बेटी तुम्हारे हवाले करके जा रही है, उसका ख्याल रखना। हेलो कहाँ खो गए भाई, मैं कुछ बता रहा हूँ। ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जा खुशबू, असल हकदार तो तू नहीं सबा है। देखा इसके आते ही किस तरह तुझे अपनी जगह छोड़नी पड़ी। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। हाय एनी, की दसा तेनु, इतने खूबसूरत डिजाइन थे ना सेटों के कि वाह। बस एक बात है, इस ज्वेलर के पास सारे नए नए डिजाइन थे। बाजी सेट की पिक्चर तो ले आती, इतना दिल हो रहा है देखने का। इस पर टेंशन वाली कौन सी बात है एनी, शाम तक आ जाएगा। और अगर उन्होंने कोई मिलावट कर दी तो? हाय अल्लाह, ये तो हमने सोचा ही नहीं। वैसे सही गल है लीजिए, हमें अपने सेट उसके पास छोड़ के ही आने चाहिए। अभी बस एडवांस दिया है, पूरी पेमेंट नहीं की, और जब शाम में बाबर जाएगा तो देखभाल कर ले आएगा। तुम लोग क्यों फिक्र कर रहे हो यार? फिर वही गल, मैं तो अपना सेट किसी दूसरी लेबोरेटरी से भी जरूर चेक करवाऊंगी। इन सुनारों का ना कोई भरोसा नहीं होता, अपने सगे बहन भाइयों को भी दाव लगा दें। लाजमी चेक करवा लीजिएगा बाजी, अक्सा है ना उसकी बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और तू फिक्र ना कर, मेरा नाम भी खुशबू है, खुशबू। अच्छा यार तुम लोग करो बातें, मैं तो जा रही हूँ रेडी होने के लिए। दानिश ना मुझे लेने आ रहा है, सैलून लेकर जाएगा वो मुझे। मैं तो कहती हूँ खुशबू बाजी आप भी जल्दी से रेडी हो जाए, इनके साथ ही निकल जाइएगा। नहीं यानी असफर भाई आ रहे हैं खुशबू को लेने के लिए। जब एक ही सैलून जाना है तो अलग अलग गड्डी की लोड है। तो फिर तुम असफर भाई को मना कर दो ना फोन करके। अभी से बाजी मैं तो कहती हूँ आप भी दानिश भाई को फोन करके मना कर दे। बाबर भाई है ना और उनके पास गाड़ी भी है, और हमने सबा भाभी को भी तो पिक करना, मैं भी तो साथ जाऊंगी, भूल जाते हैं मुझे। चंगा आइडिया है, यही करते हैं। जी नहीं मैं दानिश के साथ ही जाऊंगी। सुनो सुनो नाना अबू का नया फैसला। कैसा फैसला? नाना अबू ने कहा जब तक आप दोनों का निकाह नहीं हो जाता आप दोनों गैर मर्दों के साथ बाहर नहीं जा सकती। क्या मतलब? मतलब यही है कि अगर आपको पार्लर भी जाना है तो बाबर भाई के साथ जाए। यस नाना अब्बा जिंदाबाद, क्या बात है भाई मजा आ गया। मगर यार दानिश तो रास्ते में। नाना अबू ने पुप्पो से कह के मना करवा दिया है। जी नहीं मैं तो दानिश के साथ ही जाऊंगी। खुशबू लो भाई मैं तो जा रही हूँ। बाबर भाई आज की न्यूज हेडलाइन ये है कि अब किसी को भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है। थैंक गॉड मैं अस्पताल में नहीं थी, वरना सबा का हाथ मेरे हाथ में पकड़ा कर कहती अपनी बेटी तुम्हारे हवाले करके जा रही है, उसका ख्याल रखना। हेलो कहाँ खो गए भाई, मैं कुछ बता रहा हूँ। क्या फजीला आंटी गुजर गई? अरे नहीं भाई, बल्कि वो तो बहुत जल्दी रिकवर कर गई हैं, आपकी और भाभी की शादी की खुशी में हॉस्पिटल वालों ने डिस्चार्ज कर दिया उन्हें। तुम्हें कैसे पता? मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। तो हॉस्पिटल गया था? नहीं तो? तो फिर कैसे पता? वीडियो कॉल की थी क्या उन्हें? बताना। अरे भाई नीचे जमाल हाउस के ड्राइंग रूम में लाइव शो चल रहा है, नाना अब्बा के साथ बैठी है वो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी जी भाभी आए, आप ही की प्रॉपर्टी है, चले मैं चलता हूँ फिर। बैठो ना। कमरा तो अच्छा है आपका। अच्छा ये पिक्चर्स आपने लगाए हैं यहाँ? नहीं नहीं वो मैं तो
शर्माए मत, अगर आपने अपना इरादा बदल लिया तो मैं भी अपना इरादा चेंज कर सकती हूँ। क्या वाकई आप भी? अच्छा हुआ सब भाभी आप आ गई, वरना हम आप ही की तरफ आने वाले थे। क्यों, कोई काम था क्या? हाँ हुआ, सलून में बुकिंग है ना। लेकिन निकाह तो कल है। हाँ मगर आज अदर सर्विसेज है ना, मैं नी बेडी फेशियल जल्दी चले आ जाए। और भाई भाई जल्दी आइएगा, खुशबू बाजी और अलीजे बाजी गाड़ी में वेट कर रही है, देर मत कीजिएगा, जल्दी है। ठीक है आ रहा हूँ। इस मनहूस फ्रेम को तो मैंने उल्टा करके रखा था, किसने सीधा कर दिया? लेकिन अब क्या फायदा, कल तो निकाह है। अलीजे बाजी मुझे भी ले चले ना। तुम पागल हो गए हो, लड़कियों के सलून में तुम्हारा क्या काम? लेकिन बाबर भाई भी तो जा रहे हैं। वो हमें छोड़कर वापस आ जाएगा घर। तो मैं भी उनके साथ छोड़ के वापस आ जाऊंगा। खुशबू है गाड़ी में, मैं हूँ, ईशा है, फिर सबा भाभी को भी लेना है रास्ते से। चलो निकलो निकलो सबा भाभी आ गई है, अंदर ही बैठी थी। चलो। अरे आप कब आएंगे? अभी कुछ देर पहले ही तो आई हूँ। और आपकी अम्मी, वो अस्पताल में कर ली है? नहीं नहीं, वो भी साथ ही आई है, आज डिस्चार्ज हो गई ना वो हॉस्पिटल से। अच्छा आप बैठे ना भाभी, वहाँ कहाँ जा रही हैं? आगे बैठे ना बाबर के साथ। ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जा खुशबू, असल हकदार तो तू नहीं सबा है। देखा इसके आते ही किस तरह तुझे अपनी जगह छोड़नी पड़ी। बाहर आओ ना खुशबू। खुशबू कहाँ चली गई है? वो बाबर को लेने गई होगी। अच्छा अच्छा। वैसे भाभी आपने पहले कभी किसी सैलून से सर्विसेज ली हैं? सच बताऊं तो मैं सैलून वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाती, सिर्फ आईब्रो बनवाने के लिए जाती हूँ, फेशियल तो मैं खुद घर पर ही कर लेती हूँ। वैसे यूजुअली हम भी यही करते हैं, खुशबू ने पार्लर का कोर्स किया था, उसी चाव चाव में उसने हमें भी सिखा दिया, इसी वजह से हम खुद ही कर लेते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम का यही फायदा होता है। मगर कुछ लड़कियाँ चाहती हैं कि वो अपने शौहर को अपने काबू में करें और घर वालों से अलग कर दें। But I love joint family system. ये बाबर कहाँ रह गए? आ रहे होंगे दोनों। सबकी खुशियाँ हमारी हाँ से जुड़ी हैं। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, ना सबा की ना घर वालों की। लेकिन मैनू परवाह है, आज सिर्फ गड्डी की सीट बटी है, कल को रिश्तों में बंटवारा हो जाएगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये अलीजे कहाँ चली गई? अब अलीजे खुशबू को लेने गई है। क्या बाबर भाई, सबको बुलाने बुलाने में ही पूरा दिन निकल जाएगा, ऑलरेडी 6 बज चुके, बुकिंग का टाइम हो गया है। तो फिर चलो चलो मेरा हाथ थाम कर और फोर अम्मी को कह दो कि तुम सबा के साथ नहीं मेरे नाल व्याह करना चाहते हो। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। क्या हुआ? तुम लिपस्टिक क्यों उतार रही हो? मेरी मर्जी, मैं लिपस्टिक लगाऊं लिपस्टिक हटाऊं तुम्हें क्या है? तुम इस तरह बात क्यों कर रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, मैंने किसी ने क्या कहना। तो फिर चलो अपना हुलिया दुरुस्त करो, होनी चाहिए। नहीं जाना मैंने। लेकिन क्यों नहीं जाना?
मैंने कहा ना नहीं जाना मैंने, और तुम जाओ, सबा तुम्हारा गाड़ी में वेट कर रही होगी। तो इस बात से नाराज हो तुम? इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कब कहा कि तुम्हारी कोई गलती है? तो फिर किसी की कोई गलती नहीं है, तुम जाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। नहीं छोड़ सकता, तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। खुशबू, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। तुम्हारे बगैर जीने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो फिर अब क्या करोगी तुम? जब 3 साल से रिश्ते पर रिश्ता आ रहा था तब तो तुमने कुछ ना कहा। मुझे बस देर से पता चला कि मैं देर नहीं, बहुत देर कर दी है तुमने। अब मेरी शादी अस्पर से होने वाली है और वो सबा, वो बेचारी भी अब तुम्हारे आश्रय पे बैठी है। सबकी खुशियां हमारी हां से जुड़ी है। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, ना सबा की ना घर वालों की। लेकिन मैं नहीं, परवाह है, आज सिर्फ गड्डी की सीट बटी है, कल को रिश्तों में बंटवारा हो जाएगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई बंटवारा नहीं होगा। अच्छा तो फिर चलो चलो, मेरा हाथ थाम कर और फोर अम्मी को कह दो कि तुम सभा के साथ नहीं मेरे नाल विवाह करना चाहते हो। क्यों होया? 4 कदम मुसाफत का सुन के ही नजर फेर ली। पूरी जिंदगी मेरे नाल कैसे चलोगे? बाजी कहाँ रह गए, इतनी देर हो रही है। तो समझ में ही नहीं आ रहा, मैं देखकर आती हूँ, जरा मुझे जगह दो तुम। आती हूँ। चलो तुम कहाँ जा रही हो? खुशबू आपको बुलाने गई थी ना, कहाँ है वो? नहीं चल रही हमारे साथ। वो नहीं जा रही, क्यों? उसकी तबीयत खराब है। अभी तो बिल्कुल ठीक थी तबीयत, उसे क्या हो गया अचानक से? मैं देखकर आती हूँ खुशबू को। अलीजे उसकी जरूरत नहीं है, बात तो सुनो। बाबा ये खुशबू कहाँ रह गई? वो आपको लेने के लिए गए थे। और ये अलीजे कहाँ चली गई? अब अलीजे खुशबू को लेने गई है। क्या बाबर भाई, सबको बुलाने बुलाने में ही पूरा दिन निकल जाएगा, ऑलरेडी 6 बज चुके, बुकिंग का टाइम हो गया है। ये बात मुझे अभी पता चली कि हम लोग लेट हैं। आप रहने दे, मैं बुला कर आती हूँ। तुम किधर जा रही हो? बुलाने जा रही हूँ, आ रही हूँ। बस यही मौका है, और कुछ नहीं तो कम से कम सभा से तो बात कर लूँ, इसे बता दूँ कि जो लड़की मुझे पसंद है वो कोई और नहीं, खुशबू है।
किस सोच में पड़ गए हैं? कोई परेशानी है तो बताइए मुझे। हाँ मैं हूँ तो। बाबर भाई मुझे भी ले चले ना प्लीज। डरा क्यों रहा है? इस तरह कौन आता है? तू यहाँ कहाँ रहे? गोद में बैठेगा मेरी? पीछे बैठना फिर। खुशबू तुम रो रही हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं, मेरे पेट में दर्द है। खुशबू झूठ बोलने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, और उसके लिए पहली शर्त यह है कि जिससे बात की जाए उसे नजरें नहीं छुपाई जाए। 5 मिनट बैठ जा, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, हमारे घर का पहला फंक्शन है। अच्छा तो फिर जल्दी से ना स्ट्रेट ही कर दो, वरना फिर इस तरह से तो सलामत अब्बा का दिया हुआ डेडलाइन का टाइम भी गुजर जाएगा। स्ट्रेट हुए हैं, 5 मिनट दें आप। अब चलो, और चलो भाई, और गड्डी भी स्टार्ट हो गई है, जल्दी कटाओ, देर हो जाएगी फिर। अरे नहीं नाना अब्बा, देर नहीं होगी, मैंने कपड़े तो इस्त्री कर लिए हैं, बस कटिंग कराने के लिए जा रहा हूँ। और थोड़े बाबर नु काल लगा, वो कह और जितनी छेती कर सकता है जाए हो शादी हॉल लेके बोटियों को। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। खुशबू दरवाजा खोलो, खुशबू, खुशबू दरवाजा खोलो यार। खुशबू तुम रो रही हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं, मेरे पेट में दर्द है। खुशबू झूठ बोलने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, और उसके लिए पहली शर्त यह है कि जिससे बात की जाए उसे नजरें नहीं छुपाई जाए। तुम लोग जाओ, मैंने नहीं जाना पार्लर वाले। क्या तुम सभा के फ्रंट सीट पर बैठने की वजह से नाराज हो? सीट की बात नहीं है लीजे। मैं भी जानती हूँ, बात सिर्फ फ्रंट सीट पर बैठने की नहीं है। सीधा सीधा बताओ मामला क्या है। कुछ नहीं, मगर खुशबू मुझे कुछ कुछ समझ में आ रही है। तुझे जो समझना है ना तू समझ ले, फिलहाल मुझे कहीं नहीं जाना। खुशबू हमने बचपन एक साथ गुजारा है, एक दूसरे के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। खुशबू हम बहनों से भी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, इसलिए अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं जाकर खुद बता दूंगी। क्या बता दोगी? ठीक है, तुम्हें बाबर अच्छा लगता है। अलीजे क्या फजूल बातें कर रही है? आखिर खुशबू तुम चाहती क्या हो, तुम्हारा मसला क्या? असफर भाई तुम्हें अच्छे नहीं लगते, फिर भी तुम निकाह के लिए मना नहीं करी, और बाबर, बाबर का तुम्हें सबा भाभी के साथ फ्रंट सीट पर बैठना नागवार गुजरता है, ना तो तुम इकरार करती हो, तुम्हारे साथ मसला क्या है यार? इकरार किया था। फिर क्या कहा? कुछ नहीं, मैनू लगता है वो सबा को छोड़ना ही नहीं चाहता, पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे वो ये एहसास दिलाता है जैसे वो मुझसे मोहब्बत करता है। मैं समझी नहीं। अलीजे तू छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं समझाना, तुम लोग जाओ पार्लर, देर हो रही होगी तुम लोगों को। ऐसे नहीं जाएंगे खुशबू बाजी, मैंने सब कुछ सुन लिया है, और सच कहूं तो मुझे और सुफियान को असफर भाई एक आंख नहीं भाई। मैं अभी बाबर भाई से बात कर आती हूँ। नहीं, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। खुशबू बाजी आप बात को समझ नहीं रही, आप नहीं भी जाएंगी तो भी बात तो खुलेगी ना, और सबको सब कुछ पता ही चल जाएगा। तुम लोग चाहते हो ना मैं पार्लर चलूं, मेरे जाने से ये बला भी टलती है तो टले। ये भी का क्या मतलब है? तुमने असफर भाई को हाँ कर भी किसी और को? अलीजे मैंने कह दिया ना मैं चल रही हूँ पार्लर, चलो पार्लर जाना है, देरी हो रही है। खुशबू खुशबू, नी खुशबू जी, अम्मी जी। ए खुशबू किथे?
वो पॉलर गई हुई है। हाय हाय मेरी भी मत मरेगी, मैं आप तो भेजिया है भूल गई हूँ फिर मैं। अच्छा ओ एनी कह के मेरा परांदा लबे पता नहीं कितने रख के भूल गई हूँ। जी मैं जाके पूछती हूँ, लेकिन मेरी जूती कहाँ है वो नहीं मिल रही। दन मैं क्या सी ना कि अपनी सारी चीजा पूरी कर ला बाद मेरे को ना पूछी, बस यही हरकत ने थोड़िया जाके लाभ उत्थे कितने होगी। मैंने वक्त पाया रहा मेरी ये चीज किधर है, मेरी ये चीज किधर है, मेरा तो अपना परांदा नहीं लगता पे। चल जा भी ओनू क्या मेरा परांदा लिया है किथे रखिया है। जी मेरा परांदा भी खरे किथे चला गया। बंटी 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 मेरी बेल्ट तूने पहनी है देखा। अरे अरे ये मेरी बेल्ट है। अबे लग तो मेरी रही है। आपको याद है आपने अपनी बेल्ट में दो सुराख कराए थे एक्स्ट्रा, इसमें आपको कहीं सुराख दिख रहा है? नहीं, फिर मेरी पैंट कहाँ चली गई यार? पता नहीं, अब मैं क्या करूंगा, वो पैंट तो मुझे आएगी नहीं बगैर बेल्ट के। आप ऐसा करें बाबर भाई के रूम में चले जाएं, उनकी अलमारी में तो बेल्टों का ढेर लगा हुआ है, वहां से जाके ले लें। अबे लेकिन उनकी बेल्ट मुझे थोड़ी आएगी। तो अगर नहीं आएगी तो आप एक्स्ट्रा सुराख कर लेगा। हाँ एक्स्ट्रा सुराख कर लूंगा ना, सही कह रहे तू। एक्स्ट्रा सुराख ये देखें, बस भी कर दो यानी अपने आप को देखो ना। तो बस 5 मिनट लगेंगे, कर्ल्स कर रही हूँ बस, ये एंड्स रह गए। इस उम्र में कल करते अच्छा लगेगा मुझे, जाके खुद तैयार हो तुम। पो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, बस कपड़े बदलने हैं और 5 मिनट बैठ जाए, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, हमारे घर का पहला फंक्शन है। अच्छा तो फिर जल्दी से ना स्ट्रेट ही कर दो, वरना फिर इस तरह से तो सलामत अब्बा का दिया हुआ डेडलाइन का टाइम भी गुजर जाएगा। स्ट्रेट हुए हुए 5 मिनट दें आप। चलो चलो भाई, गड्डी भी स्टार्ट हो गई है। सुन लिया तुमने, वो 5 मिनट का बोल रहे हैं, मुझे 2 मिनट चाहिए आपके पास। बस ये हो गए देखें। हाँ शुक्र अल्लाह का, बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। तुम भी तो तैयार हो जाओ ना अब। हाँ हाँ मैं कपड़े बदल कर आती हूँ बस। नाना बा मैं तो 1 घंटे से तैयार हूँ, देख ले। ओ, क्या ना है। हाँ छबड़ो ओ कितने हो छबना वो। वो भी बस तैयार ही है, आंखों में सुरमा डाल रही थी। और ठीक है ओ बाहर सुनो, ओ बाहर जाओ, गाड़ी के ड्राइवर को कहो गाड़ी स्टार्ट कर और इंजन गरम कर, चलो। अच्छा जी जाता हूँ। और किधर है ये कटिंग क्यों नहीं कराई है? और बाल नहीं कटाया, देर हो जाएगी फिर। अरे नहीं नाना अब्बा देर नहीं होगी, मैंने कपड़े तो इस्त्री कर लिए हैं, बस कटिंग कराने के लिए जा रहा हूँ। और थोड़े ओ, बाबर नु काल लगा ओ कह ओ जितनी छेती कर सकता है जाए हो शादी हॉल लेके बोटियों को, जा भाई जा जल्दी जा। अच्छा मैं कर देता हूँ, रास्ते में कॉल कर दूंगा। जा बस जा ना। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। मैंने कहा है ना जी, जो होना था वो अब हो गया, मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी। बाबर आपको भी इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। हम लोग शादी हॉल में आए जहाँ हमारे बहुत इज्जतदार खानदान वाले बैठे हैं, अभी फिर भी टाइम है, चले जाऊंगा, अभी दिल नहीं कर रहा। वो असफर लोग आ गए? नहीं। तो ठीक है जब वो आएंगे फिर चले जाऊंगा। कैसी चीजें? असफर का पासपोर्ट। क्या? ठीक ना, फिक्र ना करें मैं। कैसे फिक्र ना करूं? ऐसे फिक्र ना करूं, मेहमान आ चुके हैं, दुल्हन स्टेज पे बैठी हुई है और मौलवी साहब निकाहनामा फिल कर चुके हैं। क्या तुम्हें पता था कि सभा किसी और से? हाँ लेकिन ये नहीं पता था कि यही है वो। ये सब हो क्या रहा है? अब वही जो 40 साल पहले तुसी कीता सी, और मैं पहचान गया तेनु, और फिर तेनु बीच मजदार छड़ के नट गया है। ये सच नहीं है। खामोश, एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला ना तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। चल जाएगा इश्क का जादू, हो जाएगा दिल ये बेकाबू, सोच में गुम है भैया बाबू, देखो भैया कौन बनेगी। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया।
दुल्हनिया। जिंदगी के खेल में मोहब्बतों की रेल में सब मुसाफिर चल पड़े हैं, किस नगर किसको पाना किसको खोना, छोड़ो ये सब रोना धोना, देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया।